प्रदेश में रिक्त चल रहे शारीरिक शिक्षकों के 2000 के करीब पदों पर भर्ती प्रक्रिया न करवाने से बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ नाराज है। इन शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निर्णायक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। शिक्षकों ने उनकी मांगे पूरी न होने की स्थिति में आमरण अनशन की चेतावनी भी सरकार को दे दी है। संघ के सदस्यों का कहना है कि शारीरिक शिक्षकों के 2000 के करीब खाली पड़े पदों में से 870 के करीब पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्व सरकार ने शुरू की थी, जो कोर्ट में जाने की वजह से लटक गई है। बीते 7 वर्षों से प्रदेश के स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के पद नहीं भरे गए हैं। इससे जहां प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चे खेल गतिविधियों से भी दूर होकर नशे की लत में पड़ रहे हैं। संघ के सदस्यों ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से वे शिमला में धरने पर बैठे हैं और आज इसी मांग को लेकर उन्होंने चौड़ा मैदान में रैली भी निकाली है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो वे परिवार सहित सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठेंगे। इर्द गिर्द 45 साल से नीचे कोई भी नहीं है, सब 45 साल से ऊपर और 55 साल के बीच के लोग हैं। हम कब नौकरी करेंगे सर? 25-25 साल हो गए हमारे को ट्रेनिंग की हुए। शारीरिक शिक्षक, पीटीआई, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, 2000 इन द रोड, जो रोड पे धक्के खाने को मजबूर है, अपने बच्चों को लेके यहाँ बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, 10-10 दिन से बैठे हैं। इस स्कूल में अगर 100 बच्चे नहीं है तो क्या उनको शारीरिक शिक्षा का अधिकार नहीं है? गवर्नमेंट रूल बनाती है, उसको भी फॉलो नहीं करती है। R&P रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं ये, और एक गवर्नमेंट ही इनको फॉलो नहीं कर रही है। 7 साल से एक केस चला हुआ है, गवर्नमेंट ने उसमें LPA लगाई हुई है और उसमें दूसरी पार्टी है, तो हमको क्यों रोका है? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी भर्ती है शुरू की जाए।